हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू अरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के जो है वो कमेंट आ रहे हैं कि मैडम सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट करवाइए, तो अब हम फाइनली सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और अलजेब्रा का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो हमने चैप्टर्स 8th और 9th और 10th जो चैप्टर रहते हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। अब जो वो तीनों मैथ्स को पैरेलल लेके चलेंगे, एक एक दिन लेक्चर्स जो है वो एलजेब्रा, सॉलिड ज्योमेट्री एंड कैलकुलस तीनों बुक्स का हम लेक्चर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। 3.4 लास्ट एक्सरसाइज है और सिंपल सी, आप ये पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको आपको एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ एक्स, ओके। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप पीछे एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं बाय लैबनीज थ्योरम जो आपने प्रूव की थी एक्सरसाइज। देखिए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये गिवन है आपके पास। मेथड देख लीजिए इसका कैसे करना है। वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, टू इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का करेंगे वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट कैंसिल करते हैं, मीन्स हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं साथ साथ, अंडर रूट कैंसिल, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी बनती है हमारी, वाई की, ठीक है। इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं फोर इंटू वाई। अब अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, यू इंटू वी अप्लाई होगा यहाँ पे, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए टू इंटू वाई वन इंटू वाई टू, प्लस यहाँ पे हम वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई वन स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू फोर वाई, यानी कि फोर वाई वन जो कैंसिल आ रहा है, कैंसिल सॉरी कॉमन निकाल लीजिए और कैंसिल कर देंगे, ठीक है। टू वाई वन और यहाँ से टू वाई वन कॉमन निकाल लेंगे, टू वाई वन और कैंसिल करेंगे, देन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस टू कॉमन आ गया एक्स एंड एक पावर आ जाएगी कॉमन वाई वन, एंड यहाँ पे टू वाई वन कैंसिल और इसको आप इधर ले आइए माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ओके। इसके बाद आपको अप्लाई करना है लैबनीज रूल। लैबनीज रूल किस लिए, क्योंकि हमें एनएफ डेरिवेटिव में फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमें चाहिए, जब जैसे आप यहाँ पे एक्सपेंशन ओपन कर रहे हैं एक्स की पावर में पूछा गया, तो आप ऑब्वियसली मैक्लोरियन एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे और मैक्लोरियन में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लैबनीज रूल। अप्लाई लैबनीज रूल, देन वी गेट, क्या आएगा यहाँ से, वन माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करते हो लैबनीज रूल, यू इंटू वी लेके चलते हैं हम, है ना, यू वी फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, तब हम अप्लाई करते हैं लैबनीज रूल। दिस इज यू एंड वी एज इट इज, यानी कि यू का nth डेरिवेटिव वी एज इट इज, एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री, प्लस अप टू सॉन। हमें एक्स रेज टू पावर सिक्स पावर तक यहाँ पे चाहिए, हम वहाँ तक इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वो हमारा डिपेंड करता है, जैसे कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप वी लेंगे, इसको आप यू लेंगे। जैसे ही आप वी का यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दे, थर्ड डेरिवेटिव ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम ये यू लेके चल रहे हैं, दिस इज ओके, वाई टू को हमने लिया है यू और इस टर्म को लेंगे हम वी, तो हमारे पास क्या है यू एन और वी एज इट इज, ये हमने v एज इट इज ले लिया और इसका n डेरिवेटिव करते हैं वाई एन प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म आती है एन सी वन, एन सी वन वी वन
और u एंड माइनस वन आर डेरिवेटिव। अब जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं माइनस टू एक्स आ जाएगा और y टू का n माइनस वन आर डेरिवेटिव ऐड करोगे आप n प्लस वन रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एन सी टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव इज अ माइनस टू और अगेन y का n माइनस टू लेंगे या फिर इसी का आप डेरिवेटिव एक एक रिड्यूस करते जाएंगे y n प्लस वन है तो y n आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप लेते हैं तो टू का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, बाकी सारी टर्म हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से कर चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके। एक्स इंटू वाई वन अब इस टर्म पे अप्लाई कीजिए लैबनीज। अब यहाँ पे भी आपको ये यू लेना है और ये वी लेना है। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे माइनस यू एन एथ डेरिवेटिव यानी वाई वन का एन एथ करेंगे तो वाई एन प्लस वन आ जाएगा और एक्स एज इट इज एन सी वन। वी का डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट टाइम और इसका आ जाएगा वाई एन, एन माइनस वन एथ करेंगे और इसका डेरिवेटिव वन। नेक्स्ट टाइम की टर्म हमारी जीरो हो जाएगी और ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये जीरो हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये आ गया लैबनीज रूल से एन एथ डेरिवेटिव वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको एन हो जाएगा एन सी वन माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस दिस इज माइनस ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन। एन सी टू की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट माइनस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन। और यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई एन प्लस वन एंड माइनस एन इंटू वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन को आप इकट्ठा कर लीजिए, माइनस कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, टू एन प्लस वन वाई एन प्लस वन और एन एथ टर्म ये आप करेंगे कॉमन निकाल के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस एन और ये माइनस बाहर आ गया ये रह जाएगा प्लस का वाई एन इक्वल टू ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा एन स्क्वायर इंटू वाई एन। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है देखिए, ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव हमने ये निकाला है सेकंड, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन एंड सेकंड जो डेरिवेटिव लिया है हमने इसको थर्ड ले लेंगे और जो nth आया है इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेंगे। अब इन सब में आपको x को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, क्यों? क्योंकि मैकलोरियन की जो आप एक्सपेंशन ओपन करेंगे वो एट x इक्वल टू ज़ीरो पे होती है, एफ डैश एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो इस तरह से आपको टर्म चाहिएंगे। तो हम पहले ही निकाल लेते हैं x को ज़ीरो रखेंगे इन इक्वेशन, पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ फर्स्ट में पुट कीजिए आप, यानी कि यहाँ से आ जाएगा y ऑफ ज़ीरो, x को ज़ीरो रख रहे हैं ना तो y ऑफ ज़ीरो यानी साइन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। हम फिर रखते हैं सेकंड में y वन ज़ीरो, यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करेंगे साइन इनवर्स ज़ीरो इज ऑल्सो ज़ीरो। देन थर्ड में पुट करेंगे, यहाँ पे थर्ड में रखिए ये ज़ीरो हो जाएगा y टू एंड यहाँ पे x को ज़ीरो रखेंगे पूरी टर्म ज़ीरो माइनस टू तो y2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 ऑफ ज़ीरो की वैल्यू टू आ जाएगी। ठीक है, अब हम nth में पुट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप x को ज़ीरो रखेंगे ये जो टर्म है आपकी कंप्लीट ज़ीरो। ओके, यहाँ से आ जाएगा वन माइनस ज़ीरो इज़ अ वाई एन प्लस टू एट x इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म कंप्लीट ज़ीरो। यहाँ से माइनस एन स्क्वायर वाई एन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन से। यहाँ पे आप आगे डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, जैसे वाई टू तक तो हमें वैल्यू मिल जाती है वाई एन प्लस टू ज़ीरो इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन ज़ीरो, राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। अब एन की वैल्यू पुट करते जाइए, एन को अगर मैं वन रखती हूँ देन यहाँ से वैल्यू आएगी वाई थ्री की। ओके, वाई थ्री ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी वन स्क्वायर इंटू वाई वन ज़ीरो, एन की वैल्यू मैंने वन ली है। ओके, अब वाई वन की वैल्यू देखिए यहाँ पे ज़ीरो है तो इसकी भी वैल्यू ज़ीरो आ गई। अगर मैं इनको टू लेती हूँ देन वाई फोर ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे, वाई फोर हो जाएगा एंड यहाँ पे
टू स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो, और वाई टू की वैल्यू इज टू, तो ये आ जाएगा टू इंटू टू स्क्वायर एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे देन वाई फाइव जीरो, फाइव बन जाएगा यहाँ पे। ये इक्वेशन आप फिफ्थ ले लीजिए और ये हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फाइव में, ओके दिस वाई फाइव यहाँ पे आ जाएगा थ्री स्क्वायर इंटू वाई थ्री जीरो, और वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू ये निकाली हमने, ये आ रही है ज़ीरो, ओके एन को फोर रखते हैं देन वाई सिक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे रखिए फोर स्क्वायर इंटू वाई फोर जीरो, और वाई फोर की वैल्यू हमने अभी निकाली है टू इंटू टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। अब हमें एक्सपेंशन चाहिए तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बाय मैक्लोरियन थ्योरम एक्सपेंशन। क्या होती है एफ ओ फैक्स, एफ ओ फैक्स तो आप क्या लिखते हो, वाई लिखते हो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ ओ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, क्योंकि हमें सिक्स पावर तक चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा छः डेरिवेटिव्स तक, प्लस एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, सिक्स पावर चाहिए ना, तो अभी तो फोर आई है हमारी, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइव पावर बाय फाइव फैक्टोरियल फिफ्थ डेरिवेटिव, और लास्ट आ जाएगी हमारे पास सिक्स फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, एफ डैश वाई का मीनिंग होता है एफ डैश एक्स, इक्वल होती है दोनों चीज़ें, ठीक है। अब एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो इक्वल टू वाई वन जीरो, दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, यहाँ पे भी इसका मीनिंग होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो, अगर आप वाई की फॉर्म में लिखना चाहें देन वाई इक्वल टू वाई ऑफ जीरो, यहाँ पे वाई ऑफ जीरो मीन्स जो वाई की वैल्यू है वहाँ पे हमने एक्स को जीरो पुट कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म एक्स इंटू वाई वन जीरो मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री जीरो एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल वाई फोर जीरो। अब यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सिक्स फैक्टोरियल वाई सिक्स जीरो प्लस अप टू सॉन छोड़ देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू वाई ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाल ली, ये ज़ीरो होगा, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, यहाँ पे पुट करेंगे हम वाई वन की वैल्यू, ये भी हमारी जीरो आ रही है, वाई टू की वैल्यू हमारे पास टू है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू दोनों टर्म जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में है तो आप फैक्टोरियल ही रखेंगे यहाँ पे, और वाई टू जीरो की वैल्यू है टू, प्लस नेक्स्ट टर्म पे आइए वाई थ्री, वाई थ्री हमने ये यहाँ से निकाला हुआ है, वाई थ्री हमारा ज़ीरो है तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ओके तो ये हमारी जीरो बन गई है, ये भी वैल्यू ज़ीरो है, ये भी वैल्यू ज़ीरो है, और फिफ्थ की भी वैल्यू ज़ीरो है, तो सब इन चारों टर्म्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम चलते हैं एक्स फोर पे, एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल एज इट इज़, और हम वैल्यू पुट करेंगे वाई फोर की, और वाई फोर की वैल्यू हमने निकाली है टू इंटू टू स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल वाई सिक्स की वैल्यू, वाई सिक्स इज जो लास्ट वाली है, वाई फाइव की तो जीरो होगी ना, दिस इज टू इंटू टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस अप टू सॉन, और यही टर्म है आपके पास टू स्क्वायर फोर स्क्वायर, इनको हम पहले लिख लेंगे और टू इंटू एक्स रेज टू पावर सिक्स दिस और अपॉन में सिक्स फैक्टोरियल, तो ये की एक्सपेंशन आ जाएगी। तो इस तरह से आपको निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकेंड बाय लैबनीज रूल से हम इसका एनर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सबकी वैल्यूज निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड देन मैक्लोरियन थ्योरम अप्लाई एक्सपेंशन अप्लाई करके वहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी फंक्शन दे रखा होता है किसी के भी इन द पावर ऑफ एक्स।
क्वेश्चन सेकंड है, साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्सपेंड करना है आपको एक्स की पावर में, ठीक है। तो वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने लेबनिज रूल अप्लाई करके एन डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल यही रहेगा साइन इनवर्स एक्स। फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, एम इंटू एम इज अ कॉन्स्टेंट और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपॉन की टर्म होती है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्क्वायरिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग, ओके। करिए यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर होगा ना कि एंगल का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम पावर को या तो आप बाहर लिखिए या आप कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसको मैं चेंज करूँगी वन माइनस साइन स्क्वायर एम इन टू साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कम्प्लीट द एंगल ऑफ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने चेंज क्यों किया, ताकि मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ, एम स्क्वायर इन टू वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू वाई वन, इसका भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायरिंग किया था हमने, इसका स्क्वायर नहीं किया था, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, टू वाई वन स्क्वायर का आ जाएगा टू इंटू वाई वन इंटू वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस की टर्म आएगी टू एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर एज इट इज, एंड यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू माइनस टू वाई इंटू वाई वन, ओके। वन का कॉमन निकालेंगे हम, टू इंटू वाई वन कैंसिल आउट कर देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू टू वाई वन कैंसिल, माइनस एम स्क्वायर वाई रह गया हमारा। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय लेबनिज, बाय लेबनिज रूल, लेबनिज रूल अप्लाई कीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर वी लेके चलेंगे, वाई टू का डेरिवेटिव प्लस एन सी वन इज एन, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू एक्स और इसका करोगे आप एन प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एन इन टू एन माइनस वन बाय टू, एंड यहाँ से माइनस टू और यहाँ पे आ जाएगा वाई एन, नेक्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस टू का। सेकेंड टर्म करते हैं, माइनस ऑफ एक्स एज इट इज वाई वन का डेरिवेटिव वाई एन प्लस वन, एन इन टू एक्स का डेरिवेटिव वन, दिस इज वाई एन प्लस इसका नेक्स्ट एन माइनस वन इज दिस और इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई एन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस ये टर्म और ये टर्म, ये माइनस क्यों हो जाएंगे दोनों, दिस माइनस एंड दिस, माइनस कॉमन लेंगे एक्स कॉमन लेंगे, टू एन प्लस वन रह गया यहाँ से वाई एन प्लस वन, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करते हैं, टू से टू कैंसिल और वाई एन एंड वाई एन इकट्ठा कर लेते हैं, ये माइनस की टर्म है एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, यहाँ से आएगा माइनस कॉमन, ये भी माइनस की हो जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे एन स्क्वायर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे एन और यहाँ से प्लस एन इंटू वाई एन और इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई एन कैंसिल, और इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस एम स्क्वायर और वाई एन कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्स को जीरो पुट करके निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम ले लेते हैं दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट में रखते हैं y ऑफ साइन इनवर्स m इंटू साइन इनवर्स जीरो, y ऑफ जीरो आ जाएगा यहाँ से जीरो,
वाई वन जीरो करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए यहाँ पे वाई वन जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है, और ये जीरो कॉस जीरो वन, और ये आ जाएगा एम। वाई टू जीरो निकालिए, वाई टू जीरो मीन्स आप पुट करेंगे थर्ड में, ये जीरो, ये टर्म कंप्लीट जीरो, एम स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई ऑफ जीरो, और वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, कंप्लीट जीरो। देन हम फोर्थ में पुट करते हैं वाई एन प्लस टू, दिस इज, यहाँ पे एक्स को जीरो रखेंगे, यहाँ पे वन इंटू दिस, और ये कंप्लीट टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन जीरो, ठीक है। अब यहाँ से एन की वैल्यू पुट करते जाइए, एन इक्वल टू वन रखा मेरे पास, वाई थ्री की वैल्यू आ जाएगी वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई वन जीरो, और वाई वन जीरो की वैल्यू है एम, एम इंटू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एन इक्वल टू टू रखेंगे, वाई फोर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टू रखेंगे टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो, और वाई टू जीरो हमारा कंप्लीट जीरो इज ऑल्सो जीरो। एन इक्वल टू थ्री लेंगे, वाई फाइव जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई थ्री जीरो, और वाई थ्री की वैल्यू रखिए वाली, यहाँ पे रखते हैं एम इंटू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये वैल्यूज आएगी। इन सभी वैल्यूज़ को मैकलोरियन में अप्लाई करेंगे, देखिए मैकलोरियन एक्सपेंशन अप्लाई कीजिए आप, बाय मैकलोरियंस एक्सपेंशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू वाई वन जीरो, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री जीरो प्लस फोर पावर फोर फैक्टोरियल वाई फोर जीरो, और लास्ट ले लेते हैं फाइव, क्योंकि हमें फाइव पावर तक यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, वाई फाइव जीरो प्लस अप टू सॉन। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई ऑफ जीरो इज ज़ीरो, वाई वन जीरो एम, ये टर्म जीरो, यहाँ पे आगे चलते हैं एक्स इंटू एम प्लस एक्स कर वाई टू, वाई टू की भी वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये हमारी टर्म जीरो हो जाएगी, और एक्स क्यूब वाली टर्म रखते हैं एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री ऑफ जीरो, वाई थ्री की वैल्यू एम इंटू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर फोर्थ पे फिर से जीरो आ रहा है, वाई फोर जीरो आ रहा है, वाई फाइव की वैल्यू पुट करते हैं वाई फाइव एक्स रेज टू पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, और वाई फाइव की वैल्यू आ रही है एम इंटू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस अप टू सेवन, और यही आपको प्रूव करना है एम इंटू एक्स स्टार्टिंग वाली, फिर एम इंटू वन माइनस एम स्क्वायर अपन फाइव थ्री फैक्टोरियल, दिस टर्म ये भी आ गया हमारे पास, और ये टर्म भी आ गई, इस तरह से आपको मैकलोरियन में पुट करनी है ऑल दीज वैल्यूज एंड फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन दिस बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको मेथड अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है और उसका इंटीग्रेशन भी करना है, और एक्सपेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन बोला गया तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वाई वन इक्वल टू ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन का भी यूज़ करना है और हमें एक्सपेंशन चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करते ही यहाँ पे आप बनाएंगे, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपको बाइनोमियल ओपन करना है एंड हर क्वेश्चन में यही जो है वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। एक्सपेंशन कौन सी लगानी है, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, बाइनोमियल ओपन कर दीजिए, वन प्लस एन इंटू एक्स एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, देन एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यू प्लस अप टू सॉन। आप यहाँ पे एन सी आर में भी निकाल सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए आप, एन इज अ माइनस हाफ और एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, हमने वन प्लस एक्स देखा ना, तो ओपन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एन इन टू एक्स, एन इज माइनस हाफ एक्स इज ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन इन टू एन माइनस वन, ये हमारा एन है,
इसमें से आपको एक माइनस करना है, डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से, और जो यहाँ पे टर्म है उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 5 पावर तक चाहिए हमें। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स डेज टू पावर एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम ओपन करते जाएंगे और हमें 5 पावर तक चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आगे, देन वाई वन की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करते हैं इसको क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी करना है। तो आप चाहे यहाँ तक ही निकाल लीजिए, आप ये टर्म भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये आ जाएगा वाई वन की वैल्यू 1, सॉल्व करते हैं इसको, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर सॉल्व कीजिए माइनस, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3/2, माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2, दिस इज़ अ माइनस एंड माइनस प्लस। ओके, 3 × 4 और डिवाइड में है 2, देन 3/8, 2 × 3 इस टर्म में चाहिए हमें, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 3/4 इस टर्म से आ जाएगा, और 2 का आप एज इट इज रखिए। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी कि एक्स फोर प्लस अप टू सॉल्व, इसको भी छोड़ दीजिए चाहे यहाँ तक ही कर लेते हैं। अब हमें चाहिए वाई, हमने लिया था साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव कर लिया, एक्सपेंशन मिल गई, अब इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ होगा वो अब करेंगे। इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं, वाई वन इज अ डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, वाई आ जाएगा, यहाँ से वाई बचा, वन का इंटीग्रेशन कीजिए इज अ एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाफ ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, ओके, प्लस 3/2 × 4, एक्स फोर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 5/5 प्लस अप टू सॉन, वाई क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स, देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस हाफ इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3/2 × 4 एक्स रेस्ट पावर 5/5 प्लस अप टू सॉन, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन 5th का सेकेंड पार्ट देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसको आपको दिस एक्सपेंशन में रिड्यूस करना है, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा स्मॉल बनाना पड़ेगा, मीन्स हम यहाँ पे एक्स को पुट कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2 × tan θ डिवाइड बाई 1 + tan²θ, दिस इज अ साइन इनवर्स साइन 2θ, साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2θ, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा 2 × tan−1 x। ठीक है, वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से एक बार डेरिवेटिव करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो 2 × 1/1 + x², डेरिवेटिव के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पर आप बायनॉमियल ओपन करेंगे, इसको आप अगर डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं माइनस 1 पावर हो जाएगी, यहाँ पे आप इसके एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए 2 × 1 - अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है तो एक टर्म माइनस और एक टर्म प्लस आती है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस क्यूब करेंगे यहाँ पे एक टर्म माइनस एक प्लस 6 प्लस अप टू सॉन। ओके, देन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वाई डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे, वापस से वाई हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे इंटीग्रेट, और यहाँ पे हमने किया है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन। ठीक है, देन यहाँ से राइट हैंड साइड पे 2 × 1 का डेरिवेटिव एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स फोर का डेरिवेटिव एक्स 5/5 माइनस, यहीं तक आपको दिखाना है, आगे की टर्म करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अप टू सॉन, आ गया हमारे एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करना है आपको टेन, यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है किसका बन रहा है, वाई इज इक्वल टू दे रखा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x², अगर 1 - x²
में टर्म आती है, तो हम एक्स को साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करते हैं, और अगर प्लस में होती है तो हम मोस्ट ऑफ एक्स को टेन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, देन टेन थीटा, सॉरी टेन इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा, और इसको सॉल्व किया हमने, ये आ रहा है कॉस थीटा, बन गया टेन थीटा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और थीटा की वैल्यू रखेंगे जो यहाँ से पुट किया था हमने साइन इनवर्स थीटा, यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, एंड बाइनोमियल ओपन करेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था फिफ्थ का, वही एज इट इज बन जाता है। ठीक, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, टेन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू, ये एक्सपेंशन प्रूव करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्शन होता है वो हम लेके चलते हैं वाई, यानी वाई की वैल्यू है हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम हो गया, प्लस होएगा एक जगह, एक नीचे प्लस, दिस इज प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारा प्लस टू की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्लस वन टू में। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पुट करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा टेन थीटा बन जाए, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक्स को लेती हूँ कॉस थीटा या फिर साइन थीटा, ठीक है, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन सकता है, बट यहाँ पे हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे कॉस थीटा, साइन भी नहीं लेंगे क्योंकि वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस दोनों का हमें फॉर्मूला पता होता है, दिस इज टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर को हमने कॉस लिया है, ठीक है, ये हटा दीजिए आप, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, अगर आपको बाय टू भी रिमूव करना है तो यहाँ पे कॉस टू थीटा ले सकते हैं, कॉस टू थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस टू थीटा, इससे क्या हो जाएगा कि आपका फ्रैक्शन में एंगल नहीं आएगा, बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज सेम है बाकी सब। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो वन प्लस कॉस टू थीटा इज ए कॉस स्क्वायर थीटा, हमें एंगल का हाफ करना होता है, ओके, टू कॉस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट चल रहा है, माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस होता है तो वहाँ पे साइन स्क्वायर में जाता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स रूट टू, रूट टू थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर का अंडर रूट इज अ कॉस, यहाँ से साइन, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट अब इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, देन ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, कॉस बाय कॉस इज अ वन एंड साइन बाय कॉस इज अ टेंजेंट, वन माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेंजेंट थीटा, क्लियर। यहाँ पे भी आपको कॉस से डिवाइड करना है एंड यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड करना है, वन को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स, वन को मैंने लिखा टेंजेंट पाई बाय फोर, इसकी वैल्यू वन होती है, माइनस यहाँ पे जो टेन थीटा, इसको आप वन इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, ओके, या यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, या इसको एज इट इज रखिए, यहाँ पे कर लेंगे हम वन इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन, ये एज इट इज रखेंगे, प्लस यहाँ पे वन कर लीजिए ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी, तो वन को रखेंगे हम टेंजेंट
पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा। टेन पाई बाय फोर वन होता है, वापस से टेन थीटा ही वैल्यू देगा यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास टेन इनवर्स टेंजेंट ए प्लस ए माइनस बी। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। टेन से टेन कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपके पास पाई बाय फोर माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से निकाल के, यह आ जाएगा टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं पाई बाय फोर माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारी वाई चल रहा है अभी तक, अभी तक हमने सिर्फ वाई को ही सॉल्व किया है, अभी वही प्रोसीजर सेम। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई वन निकालेंगे पाई बाय फोर जीरो माइनस टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस का करते हैं माइनस में आता है प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू पावर फोर, स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे, टू इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वन। अब आप एक्सपेंशन ओपन कीजिए, फिर से उसका इंटीग्रेशन कीजिए, और यही आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज आपके पास 3.4, थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड करेंगे या फिर अलजेब्रा करेंगे, देखते हैं कल किसका लेक्चर होता है। तब तक के लिए आप इनको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।